हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साहब आ गए। साहब, अच्छा हुआ आप आ गए साहब। वो मेम साहब बहुत परेशान लग रही है। मैं जानता हूँ, वो है कहाँ? अपने कमरे में साहब, दरवाजा भी नहीं खोल रही है और कोई आवाज भी नहीं दे रही है। वो तो अंजू की आवाज। गोली! अंजू, दरवाजा खोलो। अंजू, दरवाजा नहीं खोल रही। अंजू, दिली, मेम साहब, अंजू, आगे बोलो अंजू। वो दोनों भी भागे। सच सच बता, कौन थे वो लोग? मुझे नहीं पता साहब, मैंने नहीं देखा। ज्यादा बोले मत बन, घर में कोई नहीं था इसलिए तूने उन्हें बुलाया था चोरी की जाने से। बता कौन थे वो? क्या बोल रहे हो साहब, मैंने किसी को नहीं बोला। वो ऐसे नहीं बताएगी। अब वही पता लगाएंगे क्या हुआ है यहाँ पर। सुन, जब तक CID नहीं आ जाती तो कहीं नहीं जाएगी, समझी? सर पर और एक यहाँ कंधे पर, दोनों पॉइंट ब्लैंक। काम कर रही हैं आप यहाँ पे? 6 महीने से साहब। 6 महीने से? अंजलि जब घर पे वापस आई तो आप ही थी, तो आपने किसी को देखा नहीं? साहब,
नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। सर ये झूठ बोल रही है सर, सब कुछ इसने किया है। रात को जब घर पे कोई नहीं था तो इसने अपने साथियों को बुलाकर चोरी की प्लानिंग की, और जब अंजलि घर पे आ गई तीन लोगों ने मिलकर उसका खून कर दिया। सर सर मैं आपसे कह रहा हूँ सर, इसी ने मेरी अंजू को मारा है। साहब आप क्या बोल रहे हैं साहब, मैंने कोई खून नहीं किया साहब, ये झूठ है साहब, मैंने खून नहीं किया। सर ये झूठ बोल रही है, अगर इसने कुछ नहीं किया तो ये भाग क्यों रही थी? बताओ, जब तुमने कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रही? नहीं मैं तो बस ऐसे ही। मैम उसमें कुछ नहीं है मैम, वो तो मेरी रोज की बैग है, वो तो घर की चाबियां है, मैं बोल रही हूँ ना उसमें कुछ नहीं है। ये तो मेरे लिए भी थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगी? मैम वो ये हार तो अंजलि का, मेरी बीवी का। क्या ये चोरी करते हुए पकड़ी गई तो खून कर दिया अंजलि का? नहीं सर मैंने खून नहीं किया। हाँ मैंने चोरी की है पर सर मैंने खून नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ सर, और वो दोनों कौन है मुझे पता भी नहीं है सर। सर मैंने खून नहीं किया है सर। सर हाँ मंगेश क्या हुआ? सर सर दोनों वहाँ गार्डन की तरफ से भागते हुए आए होंगे, और ये देखिए सर ये पैर के निशान, ये यहाँ पर मिट्टी होने की वजह से यहाँ पर सर ये देखिए ये निशान बन गए। यहाँ से सर ये दोनों ऊपर चढ़े उस खिड़की की तरफ, और बाहर से सर उन्होंने खिड़की को मारा, खिड़की तोड़ी और अंदर चले गए। जय और उसके दोस्तों ने बताया कि पहले कांच के टूटने की आवाज आई, फिर अंजलि के चीखने की आवाज, उसके बाद गोली चलने की आवाज। इसका मतलब है जब ये दो खूनी यहाँ पे खिड़की के ऊपर चढ़े होंगे कमरे के अंदर जाने के लिए, तो उन लोगों ने अंजलि को कमरे के अंदर देखा होगा। अगर वो लोग वाकई चोरी के लिए आए थे तो अंजलि को देख के वापस चले जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है उनको अंजलि से मतलब था, चोरी से नहीं। जय। हाँ सर। आपकी अंजलि की किसी के साथ कोई दुश्मनी? सर दुश्मनी? हाँ, क्योंकि जिस किसी ने भी अंजलि का खून किया है वो यहाँ चोरी के मकसद से नहीं आया था, सिर्फ अंजलि को मारने आया था। क्या? सर मगर हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं। साहब वो अंजलि मैडम बहुत दिनों से परेशान थी, वो रोज देर तक किसी से फोन पर बातें भी करती थी, और फिर अचानक परेशान भी हो जाती थी, और कल रात को फोन आते ही वो निकल गई, काफी परेशान भी लग रही थी। हाँ सर कल रात मैंने भी देखा था। अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, अंजलि। हमने भाभी को आवाज भी मारी थी, उन्हें रोकने की कोशिश करी मगर वो रुके नहीं, और जब हम घर आए तो ये सब हुआ था। कुछ तो ऐसा था जिससे अंजलि परेशान थी। अंजलि के फोन कॉल डिटेल्स निकालते हैं, पता करते हैं कि आखिरी बार उसने किससे बात की थी। क्या नाम है उसका? सुधा। हाँ सर, अंजलि से आखिरी बार बात सुधा नहीं की थी, और सर पिछले 7 दिन में कम से कम 40 बार बात कर चुके हैं ये लोग मोबाइल पे। अच्छा हेलो बेटा, आपकी मम्मी घर पे है? हम लोग अंदर आ जाएं, आपकी मम्मी से कुछ बात करनी है। नहीं मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगी। ठीक है हम लोग अंदर नहीं आते, आप अपनी मम्मी को यहाँ पर बुलाएंगे? वो सो रही है। बेटा आपका नाम क्या है? प्रीति। बेटा हम लोग CID से पुलिस वाले, हम आपके मम्मी की हेल्प करने आए हैं। आपकी मम्मी बीमार है ना, उसे चोट लगी है।
हम उसे डॉक्टर के पास ले जाने आए हैं। आप नहीं चाहती कि आपकी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए? सच में मेरी मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे? हाँ बेटा। हाँ आप अंदर आ सकते हो। सुधा सब बेहोश है। पंकज यहाँ आसपास देखो कोई डॉक्टर है क्या, बुलाओ। जी सर। प्रीति बेटा ये आपकी मम्मी की हालत किसने की? पापा ने मम्मी को बहुत मारा। क्या क्या हुआ, क्या था, पूरी बात बताओ। कल रात मम्मी और अंजलि आंटी दो बेबीज के साथ घर से बाहर गए थे। दो बेबीज कौन? वो तो नहीं पता, लेकिन वो लोग हमारे घर में एक हफ्ते से रह रहे थे और कल रात मम्मी और अंजलि आंटी उन्हें कहीं लेकर गए थे। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद पापा मम्मी को लेकर अंदर आए। बहुत चर्बी है तुझे, बहुत चर्बी है, चल चल, बकवास करती है, सिया नहीं देगी बच्चों को, अभी सबक सिखाता हूँ तुझे मैं, अभी सबक सिखाता हूँ। घबरा मत बेटा, आपकी मम्मी को कुछ नहीं होगा, हम लोग आ गए हैं। अच्छा प्रीति बेटा ये बताओ कि आपकी मम्मी और अंजलि आंटी कहाँ गए, कुछ पता है आपको? ये पास वाले जंगल में जाने की बात कर रहे थे। सर ऐसा क्या हुआ कि सुधा के पति ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा, और अंजलि और सुधा उन दोनों बच्चों को लेकर जंगल में क्यों आए? पंकज कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अंजलि की जान चली गई और सुधा के पति ने उसे अपने बेरे में से मारा। सर अभिजीत सर कहाँ है, सुबह से दिखे नहीं। अभिजीत की गाड़ी जंगल में है, तो अभिजीत भी यही कहीं जंगल में होगा। अभिजीत अभिजीत सर हाँ? सर मैं उनको फोन करता हूं जल्दी। अभिजीत का सॉक्स? सर वो फोन ही नहीं उठा रहे। ये देखो बच्चे का सॉक्स। सर ये कहीं उन बच्चों का तो नहीं जिसे सुधा और अंजलि लेकर आए थे? हाँ लेकिन उन बच्चों का अभिजीत के साथ क्या संबंध? देख मैं हेलो मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। मुझे सीआईडी के सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत के फोन की लोकेशन जाननी है, एमरजेंसी है। खाना सड़ चुका सर, बहुत बास आ रही है। सर इस थैली पे या पार्सल पे कोई रेस्टोरेंट का नाम भी नहीं है, कैसे पता चलेगा? यहाँ आगे इसी रोड पे एक औरत है जहाँ से अभिजीत कभी कभी खाना लेता है, हो सकता है ये खाना भी उसने हो वहीं से लिया। अभिजीत जी कल रात को यहाँ आए थे, क्या हुआ? कई अभिजीत के साथ कोई और भी था या वो अकेला आया था यहाँ पे? नहीं वो अकेला ही आया था, उसने पार्सल लिया और अपनी गाड़ी की तरफ लौट गया। कुछ और याद है? थोड़ी देर के बाद वो फिर से यहाँ वापस आया था। आपने मेरी गाड़ी के पास किसी को देखा था क्या जब मैं वो खाना लेने आया था तो? हाँ हाँ दो औरतें थी और उनके हाथ में छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे? वो कौन कौन थी औरतें, आपने देखा था? नहीं मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई, अंधेरा था। वैसे क्या हुआ अभिजीत सर, सब ठीक तो है ना? दो औरतें बच्चों के साथ। सर सुधा और अंजलि तो नहीं? सुधा क्या हुआ सुधा को? आप सुधा को जानती हैं? हाँ वो मेरी बेटी है। दया सर सुधा ठीक तो है ना? हाँ भाई उसे कुछ नहीं हुआ,
अच्छा आप अंजलि नाम के किसी औरत को जानते हैं? हाँ हाँ, अंजलि, अंजलि मैम साहब के यहाँ सुधा काम करती थी 6 महीने पहले। अंजलि और सुधा ने उन दो बच्चों को अभिजीत के गाड़ी में रख दिया और उसके बाद से ना अभिजीत का पता है और ना उन बच्चों का। हेलो, क्या कहाँ पे? Are you sure? ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। सर कुछ पता चला? हाँ, अभिजीत के मोबाइल के लोकेशन अंजलि के घर पे बता रहा है। सर कल रात से उनका फोन यहीं पे दिखा रहा है। पंकज सर, ट्रैकर ऑन करो, मैं अभिजीत के मोबाइल पे कॉल कर रहा हूँ। सर आप लोग मतलब कुछ खूनी का पता चला क्या? सर पता चल जाएगा, आप लोग यहीं रुकिए। सर बात एक मिनट। सर यहाँ ऊपर कैसे? तो अभिजीत किसी मुसीबत में तो नहीं है? अभिजीत के इस मोबाइल पे जो ये फोन लगा हुआ है, ये फोन अभिजीत का नहीं है। तो फिर ये इस लड़की का है, अंजलि का। तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अभिजीत का फोन अंजलि के घर पर कैसे पहुंचा? अभिजीत का क्या पता चला कुछ? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं। बॉस एक बात और। क्या? ये जो दो गोलियां हमें इस लड़की की बॉडी में से मिली है, ये और ये। हाँ। बॉस ये दोनों गोलियां अभिजीत की गन से चली। What? क्या बात कर रहे सर? अभिजीत भला क्यों मारेगा अंजलि को? दया जो सच है वो बता रहा हूं। अंजलि का खून हो गया।
सुधा, तुम्हारी मदद से हम अंजलि के खूनी तक पहुंच सकते हैं। संभालो अपने आप को। कुछ हफ्ते पहले मेरा पति घर पर ना छोटे बच्चों को लेकर आया था। उसने मुझसे कहा कि कुछ दिनों तक मैं उनका ख्याल रखूं। प्रीति, प्रीति, जरा ध्यान देना ना, मैं दूध लेके आती हूँ। ठीक है, आ भी आए बेटा, अभी आ भी, अभी अभी। हाँ भाई, हाँ हो जाएगा काम। और दोनों बच्चों का ना, हाँ बस, हाँ बस, थोड़े दिन और रुको ना, तो दोनों बच्चों को मार के जंगल में फेंक दूंगा मैं। अरे इतना तो भरोसा करो ना मुझ पे। हाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे अंजलि मैडम पर पूरा भरोसा था कि वो मेरी पूरी मदद करेगी। मैंने उसे फोन किया और हम लोगों ने एक प्लान बनाया। मुझे बच्चों को तो बचाना है, मगर मेरे पति का नाम नहीं आना चाहिए। हमें बच्चों को तो बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कैसे। ये सीआरडी ऑफिसर है ना अभिजीत सर, वो मेरी मम्मी के यहाँ आता है खाना लेने के लिए कभी कभी। हाँ ये ठीक रहेगा, इस बार जब वो खाना लेने के लिए आएंगे तो हम बच्चों को उनके गाड़ी में रख देंगे। और फिर तुम लोगों ने उन बच्चों को बचा लिया। हम लोगों ने उन बच्चों को अभिजीत सर की गाड़ी में डाल दिया, लेकिन वो कौन? बाबा तुम्हारा पति? अरे ये क्या हुआ आपको? मैं नाटक बंद कर अपने, ये सब तेरी वजह से हुआ। अरे बट तू लेकर गई थी ना बच्चों को उनके पास, तूने बुलाया था सीआईडी को। अरे उनको तो देख लूंगा पहले, मैं तुझे सबक सिखा दो। तुम ठीक हो? जाओ प्रीति के पास। कौन है तू? सबक। उठ, उठ। औरत पे हाथ उठाता है? औरत पे हाथ उठाता है? अगर औरत पे अपने पे आ जाए तो जैसे आदमी का जीना मुश्किल हो जाए। औरत अगर पैर दबा सकती है तो पैर तोड़ भी सकती है। बता अब जीत का? वो तो अब तक मर चुका होगा। बच्चे बच्चे उधर
आराम से। कहाँ? संभल के अभिजीत। बच्चे कहाँ गए? यही तो बच्चा। अभिजीत। अभिजीत। बच्चे। क्या बच्चे? एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। फोन एम्बुलेंस को फोन करो। पंकज, आसपास देखो बच्चे कहाँ? बच्चे कहाँ? बच्चे मिले? हाँ अभिजीत, बच्चे अभी तक नहीं मिले। सर, बच्चों की जान को खतरा है, कोई उन्हें मारना चाहते हैं। कौन मारना चाहते हैं बच्चों को? वो तो पता नहीं, लेकिन उनको बचाना होगा। बच्चों को बचाना होगा। शांत हो जाओ। अब बता क्या हुआ? ये सब हुआ कैसे? सर, मैं कालीघाट से लौट रहा था। हाँ, वो रास्ते में ताई है ना, जहाँ से हम लोग खाना लेते। मैं खाना लेके लौट रहा था तो रास्ते में मेरी गाड़ी में मैंने बच्चों की आवाज सुनी। ताई ने बताया सर कि दो औरतें थी और उनके हाथ में छोटे छोटे बच्चे थे। तो बाद मैंने देखा कि वो दो औरतें जंगल की तरफ जा रही हैं। मैं उनके पीछे भागा। वहां जाके देखा तो एक सुधा थी, वो ताई की बेटी। सुधा, तुमने उन बच्चों को मेरी गाड़ी में रखा है? अभिजीत सर, उन बच्चों की जान खतरे में। लेकिन ये बच्चे हैं कौन और कौन मारना चाहता है इनको? तो फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वो दोनों बच्चे मेरे पास थे जंगल में। उस वक्त मेरे पास ना गन थी और ना मोबाइल, इसलिए मैं आप लोगों से कांटेक्ट भी नहीं कर पाया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग बच्चों को क्यों नहीं लेकर गए, तुम्हारे पास क्यों छोड़ कर गए उनको? किसने भेजा था तुझे? किसके कहने पे किया तूने ये सब? मुझे कुछ नहीं पता था। मेरा दोस्त प्रवीण, उसको सब पता था। उसी ने मुझे वो दो बच्चे दिए थे संभालने के लिए और बोला था बाद में मार डालना। मरने से पहले वो सुधा बच्चों को लेकर चली गई। और जब तुम सुधा का पीछा करते करते जंगल पहुंच गए तब अभिजीत को मारा? हाँ। और अंजलि को किसने मारा? अंजलि को मैंने नहीं मारा सर, वो तो प्रवीण और रोनी वहां पर थे सर। मैं तो सुधा को लेकर निकल गया था, घर चला गया। बस वैसे अभिजीत के फोन पर जो खून था, उस खून पे मुझे घास मिली। घास? हाँ घास, ये घास। और ये ऐसी घास है जो सिर्फ जंगलों में पाई जाती है। और बॉस, उस खून में मुझे कुछ कपड़े के रेशे भी मिले।
और ये कपड़ा अंजलि का है। लेकिन सर अभिजीत के मोबाइल में जो खून मिला था वो अंजलि का था, और अंजलि का खून हुआ था उसके घर पे, तो फिर इस मोबाइल के ऊपर जंगल की घास कैसे आ सकती है? मतलब दया, अंजलि का खून दो बार हुआ है, एक बार घर में और एक बार जंगल में। यार मुझे चेल की बहुत चिंता हो रही है, इतना परेशान रहता है, और अंजलि के साथ भी कितना बुरा हो। हाँ यार, मैंने उसे कॉल किया था, सोचा था कि अपने पास बुला लूंगी, लेकिन उसने मना कर दिया। लगता है जय होगा। मैडम बच्चे कहाँ है? बच्चे? अरे, बच्चे कहाँ है मैम? ये उसके बच्चों के बारे में बात कर रही है। अरे भाई क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसके बच्चे? कौन से बच्चे? अरे कितने मैडम आप समझ नहीं रही हो, वो नकली अंजलि अब बच्चे मांग रही है, घर पर आई थी और अब बच्चे मांग रही है, उसको उसके काम के पैसे नहीं मिले ना। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको। अरे ये क्या बकवास कर रही हो? कोई बच्चे बच्चे नहीं है। ये क्या बात कर रही है? नकली अंजलि, किसके बच्चे, क्या बोल कह रही है? सूरज मुझे भी कुछ पता नहीं है, क्या बकवास कर रही है? ऐसे कैसे हो सकता है कि ये उसी अंजलि के बच्चे हैं? जो घर में रह रही थी वो नकली अंजलि थी, उसी के बच्चों के बारे में बात कर रही है, अब उसको बच्चे चाहिए। ये क्या क्या बकवास कर रही है? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये। अरे ये बच्चे लेकर क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा हुआ जया तुम आ गए। क्या बकवास कर रहे हैं? नकली अंजलि और ये बच्चे, किसके बच्चे हैं यार? अरे साहब वो अंजलि बोल रही है उसको पेमेंट नहीं हुई ना, तो उसको बच्चे वापस चाहिए, कह रही जब तक पेमेंट नहीं करोगे आप तब तक बच्चे वो रखेंगे। अरे कौन नकली अंजलि? मैं। लो आगे। तुम लोगों ने मुझे मेरे काम के पैसे नहीं दिए, इसलिए मुझे अब ये बच्चा चाहिए, सिंपल। अरे तुम हो कौन? मैं हूँ नकली अंजलि, मुझे मेरे काम के पैसे चाहिए। मैंने तुम लोगों से पैसे क्या मांगे? तुम लोगों ने नाटक शुरू कर दिया। मुझे मेरे पैसे दे दो वरना मैं ये बच्चे ले जाऊंगी, समझे? ए तुम जो भी हो अपना नाटक बंद करो, तुम वो नकली अंजलि नहीं हो जिसे मैंने भेजा था। बिल्कुल सही कहा तुमने जय, इसे तो हमने अंजलि बनाया, हम दे। अब तुम बताओ वो कहाँ है जिसे तुमने अंजलि बनाया था? बच्चा दे, बच्चा दे, कृति बच्चा लो, पीछे आप लोग इधर आइए, आइए। तुम्हारी इस नौकरानी और ये बाबा दोनों के साथ मिलकर हमने एक छोटा सा नाटक किया, और अब सच खुद तुम्हारे मुंह से सामने आ गया। हमारे फोरेंसिक सर्जन डॉक्टर साळुंखे, उन्होंने इंस्पेक्टर अभिजीत के फोन पर जो घास चिपकी हुई मिली थी खून के अंदर, पता लगा लिया कि वो घास शहर में नहीं बल्कि जंगल में उगता है। उसी घास से हमने पता लगा लिया कि अंजलि का खून घर में नहीं जंगल में हुआ था। अब जंगल में मरी अंजलि घर में कैसे मरी, एक पहेली है। अब इस पूरी साजिश में एक नकली अंजलि को इस्तेमाल करना था, नकली अंजलि को सबके सामने मार दिया गया जबकि असली अंजलि पहले ही मर चुकी थी, बस उसकी लाश को वहां पे कमरे में रखना था। मेम साहब आप ठीक तो है ना? मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, ये सब कौन कर सकता था? वही कर सकता था जो अंजलि के घर का कोना कोना जानता था, वो है तुम। तुम्हारे इस साजिश में साथ देने वाली है ये लड़की, ये कीर्ति। इसी के साथ दांत देता हूं आपके, लेकिन आप लोग मुझे नहीं पकड़ सकते।
मुझे बताने की जरूरत नहीं कि अगर मुझे पकड़ने की कोशिश की तो उस बच्चे को गोली मार दूंगा। बच्चे को मारेगा? मेरा भाई दिल्ली में रहता था, पर अभी कुछ दिन पहले उसकी डेथ हो गई थी। वो बच्चे मेरे भाई के ही है। दरअसल मुझे पैसों की जरूरत थी और मेरे भाई के पास बहुत पैसा था, तो उसकी प्रॉपर्टी उसके पैसे की लालच में मैंने मेरे भाई की बीवी मतलब मेरे भाभी का खून करवा दिया और उसके बच्चों को अपने साथ ले आए मारने के इरादे से, और इसीलिए तुमने उन दोनों बच्चों को बाबा के पास दिया ताकि वक्त आने पर वो उन्हें खत्म कर डाले। लेकिन इसके पहले तुम बच्चों को कुछ कर पाते, बाबा की पत्नी सुधा को पता चल गया और वो बच्चों को मेरे पास ले आई। सुधा के साथ अंजलि को देखकर मैं खुद चौंक गया था, लेकिन तब तक अंजलि को सब कुछ पता चल गया था, इसलिए तुम हो इनके बॉस? सॉरी डार्लिंग, ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। और फिर बच्चे और अभिजीत को मैंने जंगल में ही छोड़ दिया ताकि जंगली जानवर खा ले उन्हें। पैसों के लालच में तुमने दो दो खून किए और कहा दो छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारने की भी कोशिश की। ऐसा घिनौना काम कोई शैतानी दिमाग ही कर सकता है। तुम्हें तो फांसी से बढ़कर भी कोई और सजा होती ना तो वो भी कम पड़ जाती। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।